मध्य प्रदेश में करप्शन कर बनाई गई नहर को चूहों और केकड़ों ने बर्बाद कर दिया है। इसके बावजूद जिम्मेदार अपनी गलती स्वीकार करने के बजाय चूहे और केकड़ों को दोष दे रहे हैं। घटिया निर्माण के कारण खराब हुई नहर करप्शन की दास्तान का खुद खुलासा कर रही है और जिम्मेदार लोग अपनी गलती मानने के बजाय जानवरों को दोष दे रहे हैं। सिवनी में संजय सरोवर डैम की नहर फूटने से खुर्सीपार समनापुर गांव के किसानों की फसल बर्बाद हो गई। इस मामले में अधिकारी बेतुके तर्क देकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने में लगे हुए हैं। सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता आर के श्रीवास्तव की माने तो नहर चूहों और केकड़ों के द्वारा बनाए गए छेदों के कारण टूट गई। सुनने में थोड़ा अजीब सा लगे, मगर नहर टूटने की मुख्य वजह अधिकारी इसे ही मान रहे हैं। वहीं किसानों को हुए नुकसान को लेकर भी आर के श्रीवास्तव का कहना है कि किसी किसान को कोई नुकसान नहीं हुआ है। दिनांक 27 जनवरी की रात लगभग 2 बजे के आसपास कैनाल भीमगढ़ टैंक, जैसे संजय सरोवर तालाब भी कहते हैं, उसकी राइट बैंक कैनाल 730 चेनेज के पास में ब्रीच होने की खबर प्राप्त हुई थी। और सुबह जैसी खबर मिली है तत्काल नहर को बंद करा दिया गया है और उसके बाद में उसमें काम चालू कर दिया। मौके पर अधिकारी सब पहुंच गए हैं, कार्य प्रारंभ हो गया है। जैसे एक दो दिन में ये कार्य पूर्ण हो जाता है, नहर चालू करके फिर से किसानों को पानी दिया जाएगा। मुख्य रूप से जो वजह जो ज्ञात हुई है वो ये है कि वहाँ पर केकड़ों के द्वारा और चूहों के द्वारा जो रेड होल्स बन जाते हैं उसके कारण वहाँ पर उतने से टुकड़े में पाइपिंग की घटना हुई, जिसके कारण कि ये नॉन सर्विस बैंक वाला हिस्सा टूटा है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।